नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में गुरुवार के दिन अपर समाहर्ता राजेश झा राजा एवं डीसीएलआर ब्रजेश कुमार पहुंचे। इस दौरान अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने अंचल कार्यालय पहुंचकर प्रखंड में चल रहे कार्य की विभिन्न कागजातों की जांच करते हुए कर्मचारी सहित सीओ को जल्द से जल्द दाखिल खारिज सहित तमाम कार्यों को पूर्ण करने की बात कही। साथ ही डीसीएलआर ब्रजेश कुमार को आरटीपीएस काउंटर में जांच पड़ताल करते हुए जाति आवासीय में हो रहे विलंब को तुरंत ही निष्पादन करने की बात कही। मिरहट्टी पंचायत पहुंचकर मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं का स्थल भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मिरहट्टी मुखिया मदन कुमार से पूछताछ करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नगर जदयू प्रोफेसर संजय मंडल ने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ डीसीएलआर से मुलाकात करते हुए दाखिल खारिज सहित जाति आवासीय में हो रही समस्याओं को बताया। तभी डीएसएलआर ब्रजेश कुमार ने सभी कार्य सही समय पर होने की बात कही। साथ ही डीएसएलआर ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं की जाँच की गई, जो मुखिया सहित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जाति आवासीय एवं दाखिल खारिज सहित सभी कार्यों को अप टू डेट करने का निर्देश अधिकारियों सहित कर्मचारियों को दिया गया। इस दौरान सीओ शंभु शरण राय, वीडीओ नवल किशोर ठाकुर एवं प्रखंड मुख्यालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आपसे आग्रह यही है कि हमको लगता है कि साल डेढ़ साल से तीन से चार साल तीन चार साल से काबिल लग रहा है। देखिए हम भी अभी नए आए हैं मिला जुला के यहाँ और हम देख लेते हैं यहाँ पे एकदम का इसके पूर्व ब्रजेश बाबू थे यहाँ के डीसीएलआर। काम शुरू नहीं हुआ है, ऐसा अभी आना बाकी है तो काम शुरू होगा फिर करता आएगा। और ये मुख्यमंत्री साथ में अंतर्गत हर जल का जो स्कूल के लिए तो अच्छी बात भी कुछ नहीं हुई ठीक है। तो रद्द के पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया सुबह और शाम के पानी का सप्लाई सरकार भवन सरकार भवन को वाकई एक्चुअली फंक्शनल ड्राइवर किया है इसी भी देखें डीसीएलआर साहब से मिलने आए हैं और यहाँ कई वर्षों से काबिल लगान और बंटवारा नामा का जो दाखिल खारिज होता है वो लंबित पड़ा हुआ था, तो उनसे आग्रह किया गया कि आप ये दोनों काम को प्राथमिकता के आधार पर करें जिससे कि लाभुक को इंदिरा आवास वगैरह या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके और दूसरी ओर सरकार को भी राजस्व की प्राप्ति हो। इस पर उन्होंने कहा कि हम इसको प्राथमिकता के आधार पर जितना जल्द होगा काबिल लगान का कार्य और बंटवारा नामा का कार्य दाखिल खारिज का वो प्रारंभ है। परिचय सर, मेरा नाम संजय कुमार मंडल, जदयू नगर अध्यक्ष सुल्तान। आप उसको बोला कि लाइए कहिए कि बोला रहा